धम्म पद में बुद्ध कहते हैं, वारी जो वाथ लेखितो ओ कमोकत उभतो परिफंदतिदं चित्तं मारधेयं पहातवे। यानि जलाशय से, तालाब से, पानी से मछली को जब हम बाहर फेंक देते हैं, कोई मछली को बाहर फेंक दे, बालू पर या रेत पर मछली को फेंक दे, तो वो मछली उस रेत पर फेंकने के बाद वहाँ तड़पती है, उछलती है, बहुत उछल कूद करती है, तड़पती है। इसी प्रकार आदमी का चित्त भी तड़पत रहता है। क्यों तड़पती है मछली? वो मछली तड़पती है पानी में जाने के लिए, और दिलो जान से जब तक उसमें शक्ति है, जान है, ऊर्जा है, तब तक वो छलांग मारती है, तड़पती है, वहां के वहां फड़फड़ाती है। लेकिन पानी नहीं मिला, अपने जी जान से तड़पते 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 वो वहीं मर जाती है। लेकिन उस तड़पते मछली को किसी ने उठाकर पानी में फेंक दिया, उसे पानी मिल गया, तो पानी में बड़े शांति से, सुख से वो जीने लगती है, तैरने लगती है, तैरने लगती है। इसी प्रकार आदमी का मन भीतर ही भीतर तड़पते रहता है, बेचैन रहता है, अशांत रहता है। क्यों अशांत रहता है वो? क्योंकि वो कुछ मार के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए, कुछ भव बंधनों से, विकारों के बंधनों से छूटने के लिए, वो निर्विकार का जीवन जीने के लिए, वास्तविक सुख शांति के लिए, सुख और शांति के लिए ही आदमी का मन भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर वो तड़पते रहता है, बेचैन रहता है, अशांत रहता है, मछली की तरह वो तड़पते रहता है। लेकिन यदि ऐसे तड़पने वाले चित्त को सुख शांति का सही रास्ता मिल जाए, तो बड़े आनंद से, बड़े सुख से वो विकारों से मुक्त होकर, निर्विकार बनकर, बड़े सुख से, शांति से जीने लगता है। तो मन तड़पता है सुख के लिए, शांति के लिए, समाधान के लिए, जिस प्रकार मछली तड़पती है पानी में जाने के लिए, पानी में रहने के लिए वो तड़पती है। इसी प्रकार आदमी का मन तड़पते रहता है वास्तविक सुख शांति के लिए, सुख शांति के लिए, और वो सोचता है कि मुझे सुख और शांति इस मार्ग से मिलेगी, ऐसा सोचकर उस मार्ग से वो जाने का प्रयास करता है। लेकिन यदि वो मार्ग ठीक नहीं है, वो गलत मार्ग है, तो जाता है लेकिन वो वास्तविक सुख शांति को नहीं पा सकता, नहीं पाता, तड़पते ही रहता है। इसलिए ये बड़ा अच्छा है कि वास्तविक सुख शांति का मार्ग उसे मिल जाए, उस चित्त को वो रास्ता मिल जाए, सही सुख शांति का रास्ता, तो बड़ा आनंदी, बड़ा सुखी होता है, बड़ा सुखी होता है।